गुरुदेव आपके चरणों में कोट कोट प्रणाम प्रभु। मैं सेवरतन सिंह जिला फरुखाबाद ब्लॉक मोहम्मदाबाद। प्रभु सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। प्रभु योग साधना में अजपा जप इसका क्या महत्व है, इसके महत्व के बारे में प्रभु समझाइए। धन्यवाद। स्वागत और अभिनंदन। आज जिन सज्जन ने यह प्रश्न किया है, ये हमारे काफी पुराने प्रेमी रहे हैं। जब हमारी साधना जो है कि आरंभिक अवस्था थी, स्टार्टिंग समय था, लगभग 20 साल पुराने जो है हमसे जुड़े हुए थे, और चूंकि जो है पुलिस विभाग में कार्यरत रहे हैं, तो इस वजह से इधर उधर ट्रांसफ़र होता रहा। हम अपनी साधना में और अपनी खोज में अलग हो गए, तो लगभग 14-15 साल के बाद में पुनः ईश्वर की कृपा से, प्रेरणा से संपर्क स्थापित हुआ, तो मिलने आए हैं। और कुछ अपनी पुरानी जो हठ योग की ट्रेनिंग है उसका पुनर्अभ्यास और बेहतर अभ्यास, क्योंकि अब रिटायर हो चुके हैं तो खाली समय, तो जीवन को धन्य बनाने के लिए फिर अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं। तो मन में ये प्रश्न आया कि योग साधना में जो अजपा जप है उसका क्या महत्व है, क्या रिलेवेंस है, क्या उपयोगिता है। आज इसी पे हम लोग चर्चा करेंगे। और मैं आप लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि कोई भी किसी भी तरीके का कोई मन में प्रश्न आए तो अवश्य ही व्हाट्सअप किया करें या वीडियो के कमेंट सेक्शन में कर दिया करें। मेरे प्रयास रहेगा कि उस पर बातचीत करें और कुछ ऐसा प्रकाश डालें ताकि आपकी दुविधा दूर हो। तो प्रश्न है कि अजपा क्या है, अजपा जप होता क्या है। सबसे पहले जप क्या होता है आप ये समझ लो। जब आप ये समझ लोगे जप क्या होता है, तो अजपा की आधा उत्तर आपको 50% मिल जाएगा। और तो जप का अर्थ होता है किसी के नाम को या किसी शब्द को बार बार दोहराना, रिपीटेशन करना, एक चक्राकार लगातार उसकी एक अनुवृत्ति चलती रहे, जप करना एक चक्र चलता रहे। जैसे आप सांसारिक जीवन में जिन लोगों को अपने संतान से विशेष लगाव होता है, तो चाहे वो देश परदेश कहीं भी होते हैं, लेकिन उनके मन में वो उसका निरंतर जप चलता रहता है, उसके बारे में वो सोचते रहते हैं। कुछ लोग माला से जप करते हैं, कुछ लोग उपांशों के रूप में करते हैं, कुछ लोग चर्चा के माध्यम से करते हैं। जप अर्थात अज्ञात शक्ति को, अदृश्य शक्ति को पुकारने की एक विधि। हालांकि मैंने जपयोग पे अलग अलग वीडियोस बनाए जो कि 4 पार्ट्स में है। जपयोग साधना के द्वारा भी जो है काफ़ी कुछ प्रगति होती है साधक की, तो उसमें जो है 4 तरीके से हमने जपयोग पे बताया, जिसमें कि बैखरी के द्वारा और उपांशों के द्वारा, मध्यमा के द्वारा और पश्यंति। इस तरीके से बैखरी, मध्यमा, पश्यंति और एक लास्ट में जाकर के एक जो जप क्रिएट होता है, वो जप की जप का परिणाम होता है, जिसको परावाणी कहते हैं। तो ये जो जप है, तो फिर ये अजपा क्या है। जप माने होता है जपना, अजपा का आ प्लस जपा माने जिसको जपना ना पड़े। कबीर जी ने यहाँ पर कहा है कि माला नहीं कर से जपूं, माने मैं अपने हाथों से माला को नहीं जपता हूं, माला नहीं कर से जपूं, मुख से कहूं ना राम, या फिर जिभ्या कहूं ना राम। माला नहीं कर से जपूं, जिभ्या कहूं ना राम, और राम मेरा स्मरण करे मैं पाऊं आराम। ये होता है अजपा जप, या फिर परावाणी के द्वारा जो जप होता है, यह सिद्ध जप। जब हमारा जप सिद्ध हो जाता है तो उसको फिर जपना नहीं पड़ता है।
करने करना। जपने का अर्थ होता है कोशिश करना, अपने हाथ के द्वारा कोशिश करना, वाणी से कोशिश करना, मन से कोशिश करना। लेकिन जब इतना सिद्ध हो जाता है फिर उसको जपना नहीं पड़ता, वो अजपा में रूपांतरित हो जाता है, माने वो स्वाभाविक होता है, उसको अजपा जप कहते हैं। तो ये इसका जो रहस्य है, इसकी जो साधना है वो प्रैक्टिकल है। मुझे नहीं लगता है कि कोई शब्दों के द्वारा ये योग विज्ञान को प्रैक्टिकल चीज़ों के लिए, जब तक करेगा नहीं प्रैक्टिकली तब तक पूरी तरह से समझ में नहीं आएगी। मैं लड्डू और जलेबी के बारे में कितना भी बात करूं लेकिन उससे आपको संतुष्टि नहीं मिल सकती है, आपको प्रैक्टिकली उसको बनाना पड़ेगा या खरीदना पड़ेगा, खाएंगे तभी जा करके आप उसके स्वाद से परिचित हो सकते हैं। हाँ, मैं सामान्य जानकारी दे सकता हूँ आपकी उत्सुकता की निवृत्ति के लिए, आपकी दुविधा को मिटाने की मेरी चेष्टा हो सकती है। तो यह है अजपा जप। तो कबीर कहते हैं कि माला नहीं कर से जपूं, मैं माला कर से नहीं जप रहा हूँ, हाथ से नहीं जप रहा हूँ, जिप्या कहूँ ना राम, मैं राम का नाम भी वाणी से नहीं कह रहा हूँ, रिक्की राम 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 या ओम नमः शिवाय, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, उल्टे राम मेरा सुमरण करे, माने जो परमात्मा है वो तुम्हें सुमरण करने लगता है, याद करने लगता है, और मैं पाऊँ आराम, जो मेरा अहंकार है मैं पाऊँ आराम, वो विश्राम को प्राप्त हो जाता है, मेरे अहंकार शांत हो जाता है, जो अहंकार का कीड़ा है, एक जो कर्ता बोध है वो विलीन हो जाता है, वो शांत हो जाता है, और एक आनंदपूर्ण अवस्था का अवतीर्ण होता है, घटन होता है, या घटनाक्रम अवतरित होता है हमारे एक मन की जो अति दिव्य अवस्था है उसमें प्रवेश हो जाता है, अतीन्द्रिय सुख। तो समझ रहे ना कि मैं पाऊँ आराम। हम लोग कितना भी नाम जपें, कितना भी मंत्र जपे, कुछ करें, लेकिन हमारे मन को, हमारे अहंकार को शांति नहीं मिलती, विश्राम नहीं मिलता है। समझ रहे ना, वो तब मिलेगा जब तुम्हारा जप जो है अजपा में रूपांतरित हो जाएगा। ओम शांति ओम क्रांति। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि समाज में साधकों के बीच जागरूकता पैदा हो।